बिच्छू है, देखो कितना बड़ा बिच्छू गाइस। सारी चीज मर चुकी है भाई साहब, और ये चीज सबसे बेस्ट चीज है। देखो इसको मैं लकड़ी पे लेता हूँ, देखो ये देखो गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक और 142 ब्लॉग, और आप सबका स्वागत है 142वें ब्लॉग में। और अभी अभी जस्ट बारिश हुई है, खतरनाक वाली बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब हो चुकी है, मतलब बारिश होके जा चुकी है। अभी जा रहा हूँ मैं जंगल में, क्योंकि खतरनाक वाली बारिश हुई तो आपको दिखाना जरूरी है कि भी क्या क्या मतलब झरने बह रहे हैं, कौन कौन से मतलब वो झरने आते हैं ना, झरने हमारे आसपास के, झरने तो नहीं बोल सकते, खाड़ बोलेंगे उसको, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं जंगल में, लिटरली इतनी खतरनाक बारिश हुई ना कि आपको भी देख के गदगद होने लगेगा। मेरे को प्रकृति से बहुत प्यार है, तो अभी आपको भी दिखाऊंगा कि क्या क्या नेचुरल सीन दिखते हैं, ठीक है चलो। तो अभी भाई साहब की बारिश वापस उठने लग रही है, खतरनाक वाले बादल, तो मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी। ये देख लो इतने खतरनाक वाले बादल वापस उठ गए हैं, तो चलो चलते हैं। पहले आपको दिखाता हूँ कि कैसा मानसून बरसा है हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले छतरी, क्योंकि बारिश आने में टाइम नहीं है। तो सबसे पहले तो ये खाल, ये तो अभी बहुत कम मतलब पानी आया इसमें, फिलहाल आया है पानी लेकिन कम आया है। तो अभी यहाँ से ही मतलब कच्चा रास्ता है बिल्कुल, मतलब गाड़ी बिल्कुल कच्चे रास्ते में जाएगी, बिल्कुल इतना कीचड़ है ना, दिखाऊंगा आपको, देख लो। और बारिश हुई ताज़ा ताज़ा, तो मतलब इतना कीचड़ है ना, तो गाड़ी को वहाँ लेके चलेंगे अपने आप, जो यहाँ डेजर्ट है ना वहाँ पे लेके चलेंगे, लेकिन बहुत कीचड़ है तो आराम से चलानी पड़ेगी गाड़ी। और गाड़ी का जो कीचड़ है ना, वो सीन भी आपको दिखाऊंगा, गाड़ी कैसे फिसलती है, ठीक है चलो। तो फिलहाल गाइस गाड़ी यहाँ तक आई ना, बहुत लगभग मतलब इतनी खतरनाक फिसल रही है ना कि पूछो मत। तो चलो चलते हैं, अपन गाड़ी को यहीं खड़ी कर देते हैं, और अब आपको दिखाऊंगा इतने खतरनाक वाले मतलब क्या बोलते हैं जीव। पिछले ब्लॉग में तो मैंने आपको सांप दिखाया था, किंग कोबरा, ठीक है। तो अभी कौन कौन से जीव मिलते हैं, प्राणी मिलते हैं इस नेचुरल में, नेचुरल प्राकृतिक में, ठीक है, आप उसे सब दिखाऊंगा, सब कुछ। यहाँ से पानी कितना मस्त नीचे गिर रहा है, देखो। और बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े आते हैं ना, जैसे तीज, तीज को हमारी भाषा में बोलते हैं सावन की डोकरी, मतलब वो लाल लाल आती है ना, बिल्कुल लाल लाल, उसको सावन की डोकरी बोलते हैं, वो भी दिखाऊंगा। और मिलीपीड्स, बहुत सारी मिलीपीड्स आती है हमारे यहाँ पे, उसको मिलीपीड्स को हमारे यहाँ पे भाषा में, हमारी राजस्थानी भाषा में गजाई बोलते हैं, गजाई, ठीक है। तो दोनों आपको अभी दिखाऊंगा। बारिश के मौसम में हर चीज़ इतनी खिल जाती है ना कि भाई साहब कहीं जाने का मन ही नहीं करता, मतलब जंगलों में रहने का मन करता है। और आपकी भाषा में मिलीपीड्स को क्या क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और भारत में, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत बहुत अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि इसको क्या बोलते हैं। देखो यहाँ से पानी कैसे आ रहा है, ये पूरी नहर आ रही, जैसे छोटी सी नहर यहाँ से आ रही है नहर, वाह तगड़ा सीन है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से पानी कैसे जा रहा है, इतना इतना पानी आ रहा है, देखो गजब पानी है भैया। और ये चीज सबसे बेस्ट चीज है, देखो खजूर के जाड़ के लगते हैं ना, मतलब फल, इनको इनको हमारी भाषा में हम बोलते हैं खजूरिया, ठीक है। ये रहे देखो कांटे बहुत तगड़े इनके, तो आराम से लेना पड़ेगा। ये देखो इनको बोलते हैं खजूरिया, बहुत मीठे लगते हैं, ये तो कच्चा है, तो अभी मैं इसको खा के देखता हूँ, कच्चा है फिर भी मीठा है, मस्त है। अपने को इतनी सारी मिलीपीड्स मिल गई, लेकिन अभी तक हमारे को तीज नहीं मिली, तीज सावन की डोकरी, क्योंकि उसको देखने के लिए मैं स्पेशली घर से अभी निकल के आया हूँ, क्योंकि मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल रेड कलर वाली, मैं भी तो लाल कपड़ा पहन के आया हूँ। गजब गजब सीन बन गया भाई, मतलब वो भी लाल कपड़े में, मैं भी लाल कपड़े में। तो गाइस हमको तीज तो कहीं दिख ही नहीं रही है, सावन की डोकरी कहीं नहीं दिख रही,
मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन कहीं दिख नहीं रही मेरे को। मैंने करीब करीब बहुत सारा जगह को छान मारा है, लेकिन कहीं नहीं दिख रही मेरे को। दिखेगी अभी, ज़रूर दिखेगी, 100% दिखेगी मेरे को। ये लाल लाल ये बेर दिखे ना, बेर मतलब केर है, केर है, ये केर का झाड़ है ये। तो मैं इनको तीज समझ बैठा, वहाँ से दौड़ गया है भाई। तीज सारी, इतनी सारी तीजा को यहाँ है, तो ये तीज नहीं है, ये तो केर है। केर, केर आते हैं ना, केर जिनका अचार भी डलता है, वो वाले हैं। इनका भी कलर सेम है, लाल। तो भाई लोग, मेरे को अभी मैंने नेट पे सर्च किया ना, तो मेरे को ऐसा पता चला, मतलब जो सारी तीज होती है ना, तीज सावन की डोकरियाँ, अभी भी फिलहाल मतलब बारिश होके गई है आधे घंटे पहले, तो वो सारी तीज मर चुकी है, सारी तीज मर चुकी है भाई साहब। क्योंकि बारिश होती है ना, तब उन मतलब मर जाती है वापस। गर्मी एकदम मतलब गर्मी पड़ती है खतरनाक वाली, तब वापस वो ज़मीन से ही पैदा हो जाती है, ऐसा होता है। ये सर्कल है, मतलब बारिश होती है मर जाती है, और बारिश वापस रुकती है, गर्मी पड़ती है खतरनाक वाली, वापस पैदा हो जाती है, यही ये प्रकृति का नियम। तो अभी हो गया है बहुत सारा, मतलब आपको दिखा दिया है मैंने बहुत सारे जीव, बहुत सारे कहाँ दिखाए, नॉर्मली दिखाए। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ आती है तब, मतलब या तो किंग कोबरा या नेवला कुछ भी यहाँ होते ना, तब ये चिड़िया आवाज़ करती है। तो भाई साहब, ये आवाज़ कर रही है ना, तो इसके पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर किधर इसके पास में भी सांप रहता है। सांप या मतलब जो जहरीले जीव होते हैं ना, वो रहते हैं, तभी ये आवाज़ करती है। ठीक है, और अब चलते हैं घर पे यार, क्योंकि वापस बारिश होने वाली है, बहुत तगड़ा मानसून वापस उठ गया है पीछे से। तो चलो चलते हैं घर पे। तो भाई लोग, घर पे पहुंच चुके हैं, और घर पे आके खाना तैयार है हमारा। मम्मी बोल रही खाना खा लो, तो मेरे को अभी प्रैक्टिस भी करनी है खाने की, मतलब जिम की। तो पहले जिम की प्रैक्टिस करेंगे, अभी प्रैक्टिस करने के लिए लगभग मेरे को एक रोटी खानी पड़ेगी, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई छत पे आ चुके हैं, और आज मैंने ये डंबल्स बनाए हैं, नेचुरल तरीके के डंबल हैं, और ये दोनों मैंने लगभग 7.5-7.5 किलो के, मतलब 14 किलो वजन दोनों में। तो भाई लोग नीचे आ चुके हैं, जिम की प्रैक्टिस करके वर्कआउट कर लिया मैंने, और अभी फिलहाल मतलब ये दूध है, मैं इतना दूध पीता हूँ भर के, क्योंकि ये बेस्ट रहता है वर्कआउट के बाद। अगर आप भी वर्कआउट करते हो तो हमेशा दूध पिया करो, मतलब लगभग 400 ग्राम से 500 ग्राम मिलीलीटर लगभग दूध पीना चाहिए आपको। ठीक है, अभी दूध पी लेते हैं, बाद में खाना तो मैं लेट खाता हूँ, आधा घंटा घंटा बाद। बिच्छू है, देखो कितना बड़ा बिच्छू गाइस। आया कहाँ से? इतना बड़ा डंक है इसके, देखो मेरे को सब आता है, मंत्र ना मंत्र मंत्र सब आता है। इसको मार मत भाई यार, इसको डंग देखो, डंग कितना बड़ा है इसका, और अब बाप रे डंग कितना बड़ा डंग। वो मीन बड़ा हो जाए ना ब्रो, मारे नहीं आज ना, नहीं मारना, मारना नहीं इसको, अभी कट ले जाए। सो गाइस, इतना बड़ा बिच्छू था ना भाई साहब, देख के डर गया था, इतना बड़ा था अपनी मुट्ठी में आ जाए इतना बड़ा। ठीक है, उसको यार बेचारे को मार दिया था यार, दुकान पे बैठा हुआ था मैं, वहाँ पे दिखा था मेरे को, बाद में उसको मार दिया। कोई बात नहीं यार, मैं तो उसको बचा रहा था, लेकिन उसने मार दिया। ठीक है, मतलब अपने को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था, उसको बाहर जंगल में छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, मैं तो मारता नहीं हूँ। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।